बात उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव की। इसके लिए एनडीए ने अब तक लिस्ट जारी नहीं की है। वजह है सीट बंटवारे पर फंसा निषाद पार्टी का पेच। खबर यह है कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद दो सीटों से कम पर राजी नहीं। इस मांग के साथ अब उन्होंने दिल्ली में डेरा डाल दिया है और कुछ ही देर में जेपी नड्डा से मिलेंगे संजय निषाद। दो सीट की मांग पर अड़े हैं संजय निषाद। जेपी नड्डा से मुलाकात उनकी होने वाली है। दो सीट की जो उनकी मांग है उस पर अड़े हुए हैं। ऐसे में जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात भी होगी। इस वक्त यूपी बीजेपी संगठन से जुड़े कई बड़े नेता दिल्ली में ही मौजूद हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहले ही दिल्ली में थे और आज दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली पहुंच गए। हर किसी की कोशिश है कि संजय निषाद को मना लिया जाए। इससे पहले संजय निषाद की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात हुई थी। बारी बारी से संजय निषाद की यूपी बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं से मीटिंग हुई, लेकिन संजय निषाद अपनी मांग पर अड़े रहे। अब वो सीट बंटवारे को लेकर यूपी में पार्टी के किसी भी नेता से मिलने के लिए इच्छुक नहीं है। सूत्र ये बता रहे हैं कि दो दिन से संजय निषाद दिल्ली में हैं और अब जाकर जेपी नड्डा से मुलाकात का शेड्यूल तय हुआ है। उत्तर प्रदेश में 9 सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस 5 सीट मांग रही है और समाजवादी पार्टी उसे 2 सीट देने पर अड़ी है। दोनों पार्टियों के बीच इसे लेकर तल्खी बढ़ती जा रही है। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी ने आज एक ऐसी बात कह दी जिससे मामला सुलझने की जगह और उलझ सकता है। कांग्रेस पार्टी महासमुद्र है, इस समुद्र में सबका विलय होता है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से सीटों पर तकरार के बीच कांग्रेस ने पहले खुद के समंदर होने का दावा किया, फिर समाजवादी पार्टी को बराबरी का वास्ता देकर 5 सीटों पर यही दावा दोहरा दिया। 5 सीट जो भाजपा जीती थी वो हमने 5 सीटों का डिमांड किया है। निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का है, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे मैंने प्रस्ताव दिया है, मिलके लड़ेंगे और जंगल राज को खत्म। 5 सीटें न मिली तो वो न तो चुनाव लड़ेगी न प्रचार करेगी। कांग्रेस की तरफ से समाजवादी पार्टी को ये चेतावनी पहले भी मिल चुकी थी, लेकिन हर गफलत मिटाने का मन बना चुकी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को आईना दिखा दिया। जो बड़े लोगों की वार्ता आपस में होती है वो वार्ता भी हो गई है। मुझे लगता है जो समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रस्ताव दिया है और जो अंतिम प्रस्ताव गया है उनकी तरफ से भी उसमें बात हो चुकी है। उनके केंद्रीय नेतृत्व से मोहर लगनी है, उस पर जो निर्णय उनका आएगा उसके हिसाब से। इस तरह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इशारों में छोटा आदमी बता डाला और एक तरह से साफ कर दिया कि कांग्रेस के दावे में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। लखनऊ में बैठे अखिलेश यादव ने इसे और पुख्ता कर दिया। मीडिया के सामने आए तो जो कहा बीजेपी के लिए कहा, कांग्रेस का नाम तक न लिया। ये इंडिया गठबंधन चुनाव लड़े, वो हमारी बातचीत है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को 2 सीटें ऑफर की गई हैं। इसमें एक है गाजियाबाद सदर सीट जहां 22 साल से कांग्रेस का खाता नहीं खुला और दूसरी अलीगढ़ की खैर सीट है जहां कांग्रेस 44 साल से जीत की राह देख रही है। कांग्रेस की दुविधा यह है कि वो केवल 2 सीटों पर लड़ने को राजी हो भी जाए तो भी ये दोनों ही सीटें बीजेपी का गढ़ मानी जाती हैं। यही वजह है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मिली ताजा नाकामी के बाद कांग्रेस गाजियाबाद सदर और खैर सीट पर लड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। यूपी उपचुनाव के लिए पर्चा भरने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर की है, मतलब चुनावी समझौते के लिए गिनती के दिन बचे हैं। उधर बीजेपी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस खटपट पर चुटकी ले रही। केवल ये सीटों का पेच ही नहीं है बल्कि खुराफाती खुड़पेच भी है। कांग्रेस का गठबंधन को लेकर जो उनका इतिहास रहा है वो जो है वो दागी रहा है, बेवफाई कर रहा है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट पर जारी तकरार से बीजेपी खुश तो जरूर है, लेकिन असली खुशी किसके हिस्से आएगी ये चुनावी नतीजों से तय होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ए
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।